recently, CSIR has developed the first Ayurvedic medicine of the country for diabetic patients. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन गुरु। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस डिसीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही कॉमन तरीके से आज फैल रही है, न कि बड़ों में, बुज़ुर्गों में, हालत तक कि बच्चों में भी यह पाई जाती है। और उसके ऊपर बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन तो मार्केट में अवेलेबल है ही, लेकिन भारत सरकार द्वारा रिसर्च की गई हुई प्रोडक्ट जो कि आयुर्वेदिक है, हर्बल है और बहुत ही लाभकारक है, दुनिया में दूसरे नंबर की ये डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्रोडक्ट है, जिसकी कीमत सिर्फ 6 रुपये प्रति टैबलेट है, उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उस प्रोडक्ट का नाम है BGR 34, जिसपे आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करती है और डायबिटीज़ पेशेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। BGR 34 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो संस्था है, उस संस्था और साथ में बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इन दोनों के संयोग से 5 साल तक रिसर्च करके ये प्रोडक्ट जो डायबिटीज या मधुमेह जिसे कहा जाता है, उस पर यह प्रोडक्ट इन्होंने निकाली है। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू एमिल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, ये प्रोडक्ट बनने के बाद किसी ऐसे हाथों में देना इसको बहुत ही ज़रूरी था, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। इसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियाँ है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाले जो बायो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है, वो सही मात्रा में, सही क्वालिटी के, सही एनवायरमेंट में प्रोसेस किए जाए। तो इसीलिए एमिली फार्मास्यूटिकल, जो कि अवार्ड विनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट प्रिपरेशन में, तो उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 6 जड़ी बूटियाँ है जो 6 एक्शंस फार्मूला है, जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करता है। तो पहले नंबर पे है दारू हरिद्रा जो है, विच हेल्प्स टू इम्प्रूव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो दारू हरिद्रा हर्ब है, ये शरीर के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का काम करता है, वो पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स है उसमें इंसुलिन बनाने का काम करता है, पैनक्रियास को नेचुरली हेल्दी रखने का काम करता है और पैनक्रियास की हेल्थ बढ़ाने का। पैनक्रियास जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वादुपिंड, जिसके अंदर इंसुलिन नामक द्रव्य तैयार होता है, जो कि ब्लड के अंदर शर्करा यानी कि ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो दूसरी प्रोडक्ट है गिलोय के बारे में आपने सुना होगा। तो गिलोय इसके अंदर है, विच इज़ अ यूनिक हर्ब टू इम्प्रूव इम्यूनिटी हेल्प एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। तो जिस तरह से गिलोय का आजकल बहुत सा यूज़ हो रहा है और वो इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में और इन्फेक्शन में यूज़फुल है, उसी तरह से तीसरी प्रोडक्ट है मजीत। अब मजीत जो है, इट्स अ पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, हेल्प प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं सेल्स डिस्ट्रक्शंस के बाद और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर, उस पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी का काम करता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के वाइटल ऑर्गन्स को जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, उस डैमेज से बचाने का काम ये मजीद करता है। उसके बाद है मेथी का, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नरिशेस एंड टोन्स द वाइटल ऑर्गन। इसी तरह से मजीद की तरह से इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो हमारे शरीर के अंदर वाइटल ऑर्गन्स है उनको नरिशमेंट का काम करता है। उसके बाद है गुड़मार्ग, विच रिस्टोर्स इफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो गुड़मार्ग का काम, या उसे हम दूसरे कहेंगे कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब के शरीर के अंदर शर्करा ग्लूकोज जाने के बाद जो ग्लूकोज के एब्सॉर्शन में उसको डिले कराता है, मतलब उसको देर करवाता है और उसका ग्लूकोज का कन्वर्ट शुगर में नहीं होता है,
तो इस तरह से ये सिक्स एक्शन फॉर्मूला है, इसके अंदर ये छह मेन इंग्रेडिएंट है जो मदद करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में। तो अब आप पूछेंगे कि इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत है, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक एंड हर्बल है, और इसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रमोट किया है, और ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी तरह से जैसे हर एक देश में अपनी अपनी मेडिसिनल सिस्टम होती है, उसी तरह से हमारी जो प्राचीन देन है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, उसी के रिसर्च से ये बनाया गया है, और उसको साइंटिफिक एविडेंस देने के लिए ये इन्वेंट किया हुआ है। दूसरा, ये जो एमिल फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है, ये सिंस 1984 से विनर ऑफ 3 नेशनल अवार्ड्स उसको मिल चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे। अब इसकी अगर हम कीमत की बात करेंगे तो इसमें आती है 100 टैबलेट, जिसकी एमआरपी है 600 रुपये, यानी कि 6 रुपये प्रति टैबलेट। डोसेज की अगर हम बात करेंगे तो 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे, हाफ एन आवर बिफोर मील्स, तो खाना खाने के आधे घंटे पहले 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। और इसी तरह से इसकी एमआरपी, डोसेज, इन सब बारे में बात की। अब ये टैबलेट लेते वक्त क्या जो एग्जिस्टिंग आपकी डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, इंसुलिन के इंजेक्शन चल रहे हैं, तो क्या आप उसे बंद करेंगे? तो जी नहीं, ये आपके डॉक्टर के कंसल्टिंग के बिना आप अपनी जो दवाइयाँ चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, उसको बंद नहीं करेंगे। वो उसके साथ साथ इसका सेवन करेंगे, और आप धीरे धीरे, आपको पता चलेगा काफ़ी समय के बाद आपकी जो डायबिटीज़ लेवल है वो कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगी, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो हेल्दी होना जाएंगे, और आपकी ब्लड शुगर लेवल पर्याप्त लेवल में होना शुरू हो जाएगी। तब जाके आप अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, मगर डॉक्टर को पूछे बिना नहीं। तो आज के लिए इतना ही। BGR 34, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बाकी की जानकारी डाल दी है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने परिवारजनों और अपने दोस्तों में, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उससे ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोज़ है, मेडिसिन इंफॉर्मेशन और उसकी प्राइसिंग और उसके रिजल्ट्स और उसके रिव्यूज़ के बारे में, वो सभी आपको आपके मोबाइल स्क्रीन की नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।